हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं चांदनी के इन सुंदर सुंदर फ्लावर्स से। और ये मेरा चांदनी का पेड़ है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। और देखिए किस तरह से ये फ्लावरिंग करता है, पूरा का पूरा लदा रहता है। मैं आपको दिखाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। अभी भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं इसके ऊपर। और वाइट कलर के फ्लावर्स तो वैसे ही बहुत ही सुंदर लगते हैं, और एक साथ में ये ऊपर से जब देखते हैं बालकनी से खड़े होकर तो और ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि नीचे ग्राउंड में जाके इसकी खूबसूरती इतनी नहीं दिखाई देती, या फिर दूर जाके खड़े होकर दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर मेरे वाइट कलर के विंकाज बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनके बीच में पिंक कलर है और वैसे वाइट कलर है, और ये हाइब्रिड वाले विंकाज हैं। और फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में आपको मालूम ही है विंकाज अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है लगातार तो विंका ख़राब हो जाते हैं। तो जब जिन दिनों बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उन दिनों तक तो मेरे विंका मैं डेली चेक करती थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। लेकिन अब जहाँ बारिशें कम हो गई हैं, बीच में मैंने इनको उठा के भी रख दिया था थोड़ा शेड के नीचे, पर इनको धूप भी ज़रूर चाहिए होती है, इसलिए इनको रखना भी बड़ा ज़रूरी है धूप में। तो इनके ऊपर जो हल्की हल्की जो बारिश होती है वो पड़ गई और ये थोड़े ख़राब हो गए। तो मैंने आज इनको काट के और बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं, और जो इसका पार्ट ठीक था उसको मैंने रहने दिया है। ये देखिए अभी भी थोड़े से ये पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं, इनको भी मैं निकाल दूँगी। बाकी इसकी स्टेम एकदम हेल्दी है, और जहाँ जहाँ से स्टेम भी ख़राब थी तो मैंने कट करके पत्ते भी हटा दिए और स्टेम भी हटा दिया, और इनको काट के ढेर सारी कटिंग्स तैयार की हैं। ये देखिए मैंने आज कितना गंद फैलाया है सारा साफ कर करके इसको प्लांट को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं और इनके नीचे के पत्ते हटा दिए हैं, और ये देखिए काफ़ी हेल्दी कटिंग्स हैं, और स्टेम भी देखिए कितनी मोटी मोटी हैं। तो इनको मैंने सबको अलग कर लिया काट के, और नीचे से भी बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। और इनको मैं ये वाला जो मैंने एक पॉट रखा है खाली, मिट्टी गीली है इसकी, और इसमें पहले की खाद वाद पड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा किचन वेस्ट भी नज़र आ रही होगी आपको, तो पहले की है इसमें और काफ़ी पानी है इसके अंदर अभी, तो पानी तो नहीं दूंगी, इसी में मैं इनको कटिंग्स को सबको लगा दूंगी। और आजकल अभी तो बारिशें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन तो हो ही जाती है बारिश, चाहे हल्की सी होती है दिल्ली में, तो ये कटिंग्स बड़े आराम से जल्दी से लग जाएंगी। लेकिन ये है कि कटिंग्स लगा के अभी इन्हें बारिश में नहीं रखना, नहीं तो फिर से गल जाएंगी। तो इतनी ढेर सारी आज कटिंग्स मैं लगाने वाली हूँ, और इनको लगा के फिर मैं आपको शो करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगा दी हैं, और ये करीब 8-9 कटिंग्स हैं, और एक ही गमले में लग गई हैं, और पानी देने की भी इनको ज़रूरत नहीं है, मिट्टी गीली है। तो मेरे ये पौधे जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही फिर से रूट्स बना लेंगे, और फिर मैं इनको 10-12 दिन के अंदर इनको सेपरेट फिर से लगा दूँगी। तो अब ये गर्मियों के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी ये देखिए मैंने कितनी ढेर सारी पहले ही कटिंग्स लगा रखी हैं, और सभी कटिंग्स अच्छी चल रही हैं। और इसमें भी ये वाइट वाला पहले बिल्कुल स्वस्थ था एकदम, लेकिन अब की बारिश में ये भी थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इसकी भी बहुत सारी कटिंग्स लगी हैं। तो बीच में ही हैं सब, पर्पल वाली, मजेंटा वाली और वाइट वाली। तो बाकी का ये जो मदर प्लांट है ये देखिए अब तो बिल्कुल स्वस्थ है, जहाँ से भी ये अगर ख़राब होगा तो मैं वहाँ से फिर से कट कर दूँगी। जब हम इस तरह से कट कर देते हैं तो बाकी का प्लांट जो है ना सेव हो जाता है, और वो आगे अच्छे से ग्रो करता है। तो इसको मैंने पहले भी कट किया था, ये वाला मजेंटा वाला, तो देखिए इसकी ब्रांचेस फिर से इनमें फुटाव आने लग गया जो मैंने कट की थी, ये देखिए आपको नज़र आ रहा हो। तो इस तरह से हम इसको अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं, और आगे भी ये वैसे भी 2 साल से मेरे पास हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग किया है इन्होंने, और मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ अपने वीडियोस में और शॉर्ट्स में भी। तो ये तो वाइट वाला तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और देखते ही बड़ा आँखों को भी सुकून मिलता है, एकदम स्नो वाइट है और बीच में हल्का पिंक है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए यहाँ पर ये कॉक्सकॉम्ब है, इसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली है बारिश में, और स्टेम देखिए ऊपर से ही कितना मोटा नज़र आ रहा है आपको भी। तो अभी फ्लावर नहीं है, अब इसमें भी फ्लावर आ जाएंगे। नीचे तो कुछ कॉक्सकॉम में मेरे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और कुछ ख़राब भी हो जाते हैं बारिश से, तो
कोई बात नहीं है, ये तो अपने आप से ही उगते रहते हैं ढेर सारे। और जो बहुत अच्छा चल जाता है तो उसकी स्टेम देखिए इस तरह से इतनी मोटी हो जाती है और बहुत भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और ये वाला है मेरा मॉर्निंग ग्लोरी, तो ये मैंने ऊपर बालकनी में ही रखा हुआ है और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आए आज। कल मैं नहीं आई थी ऊपर, तो इसकी देखिए स्पेंट फ्लावर्स अभी लगे हुए हैं और जब इनको हटाते रहते हैं तो और अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, नहीं तो ये सीड के नीचे ही यहीं पर सीड पॉट बन जाता है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ये मोटा होता चला जाता है और इसके अंदर सीड पॉट बन जाता है। तो हमें तोड़ना भी है तो बिल्कुल नीचे से तोड़ना चाहिए, और अगर सीड समय इकट्ठे करने हैं तो ऊपर से फ्लावर को हटा दें और सीड पॉट को नीचे से रहने दें। तो कुछ ही दिन में बड़ी जल्दी से ये सीड पॉट तैयार हो जाता है और नए पौधे लगा सकते हैं, सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी तो मैं हटा दूँगी अभी, ये जितने भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये, और इसको मैंने नीचे की तरफ लटका दिया। वैसे मैं बेलों को नीचे की तरफ नहीं लटकाती हूँ, लेकिन ऊपर मैं एक्चुअली ऊपर सामान लाना कुछ कुछ भूल जाती हूँ, कभी कटर रह जाता है नीचे, कभी फंजीसाइड रह जाता है, कभी कोई स्टिक लगानी हो वो रह जाती, तो फिर वो बहुत मुश्किल होती है सीढ़ियाँ चढ़ के आना। तो इसलिए मैंने एक इसमें स्टिक लगी हुई है उसी के ऊपर थोड़ा सा लगाया चढ़ाया हुआ इसको, और ये देखिए ये स्टिक लगी हुई है इसमें, और इसके बाद में मैंने इसको नीचे को लटका दिया है। तो ये नीचे की तरफ लटकती हुई बहुत प्यारी लग रही है और फूल बेल पे लटके हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा है इसका। तो ये जो मैंने अब गमला तैयार कर लिया है विंकास का, अब इसको मैं छाया में रख दूँगी और आज तो ये फूल खिले हुए, इनको खिले रहने देती हूँ। काला के मैं इन फूलों को भी हटा दूँगी ताकि जल्दी से इनकी रूट्स बन जाएँ। और फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी प्लांट हो जिसकी भी कटिंग लगानी हो, हमें कभी भी एक दो नहीं लगानी चाहिए, ढेर सारी कटिंग्स लगाएं, क्योंकि एक आध दो ज़रूर ख़राब होती है। ऐसा नहीं है कि 100% ही, कभी कभी होता है मिरेकल कि 100% ग्रो कर जाती हैं, अदरवाइज़ एक दो तो ज़रूर ख़राब होती हैं। तो एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाएँ तो हमारे लिए अच्छा रहता है। और हाइब्रिड वाले तो वैसे ही बड़े डेलिकेट होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, तो बारिश में ये वैसे तो मेरे बचे हुए थे, लेकिन जब ख़राब हो गए तो थोड़ा दुख भी लग रहा कि हटा के रख लेती। तो मैंने सोचा अब कि ये मेरे तो बड़े पहलवान प्लांट हैं, ख़राब ही नहीं हो रहे, तो मैंने रखा इनको। तो कोई नहीं, अभी भी बहुत सारे मेरे पास प्लांट्स हो गए हैं और कुछ सीड गिर के भी तैयार हो गए हैं इन्हीं के बीच में, गमले के बीच में। और दूसरे प्लांटर्स जो साथ में रखे हुए थे उनमें भी बहुत सारे ग्रो हो गए। तो ये दो कलर्स तो मेरे पास परमानेंटली रहने वाले ही हैं। तो इस तरह से आप भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसकी ख़राब वाली स्टेम को उतना ही कट कर दीजिए और ऊपर से जितनी है पत्ते वत्ते हटा के लगा दीजिए, तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। और जो देसी वाले हैं वो तो मैं ऊपर से ही आपको मेन गार्डन में दिखाती हूँ। ये देखिए देसी वाले मेरे मेन गार्डन में जो लगे हैं, और बहुत सारे लगे हुए हैं वैसे, उनको भी मैंने कट कर दिया था, हालाँकि वो ख़राब नहीं हुए थे, तो उनको एक दूसरे का सहारा मिलता रहता है और बारिश से भी बचे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ भड़का है मेन गार्डन में। तो जो जो ख़राब मुझे लगे थे वो फिर मैंने कट कर दिए, वहाँ पर इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। और ये वैसे भी देसी वाले बड़े रफ़ एंड टफ होते हैं, इनको इतना नुकसान नहीं होता जितना हाइब्रिड वाले का होता है। तो बस इसी तरह से ये तो अच्छे से चल रहे हैं। बाकी मेरे ये यूफोरबिया के चार प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। और इनके मैंने फ्लावर्स हटा दिए थे, तो अभी ये दोबारा देखते हैं कब फ्लावरिंग करते हैं। और ये वाला मेरा वेरीगेटेड वाला हिबिस्किस रखा हुआ है, इसने भी बहुत फ्लावरिंग की है। तो आज बहुत सारे स्पेंट फ्लावर्स से जो मैंने हटाए हैं इस पे से, और ढेर सारी कलियां अभी भी आपको नज़र आएंगी। तो कलियां तो ये बनाता ही रहता है, बहुत हेल्दी प्लांट है ये मेरा और हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। तो देखिए इसकी कलियाँ भी कितनी प्यारी सी, बहुत सारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कलियाँ लगती हैं इसकी। और ऊपर मेरे देसी वाले मोस्ट्रोस तो बहुत बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, और इनकी बारिश में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, और फ्लावर्स का कलर देखिए कितना ब्राइट और कितना सुंदर लगता है। और साथ में ये पर्सलिन लगे हुए हैं, तो पर्सलिन के फ्लावर आपको कम नज़र आ रहे होंगे क्योंकि इनके फ्लावर्स मैंने हटाए नहीं हैं, जितना हटाते रहेंगे उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो इनके ये जो स्पेंट फ्लावर्स हैं इनको मैं हटाऊँगी अभी, और फिर कल फिर देखिएगा उसमें इतने ढेर सारे फ्लावर्स लगे मिलेंगे। तो वैसे तो देखिए आ रहे हैं, बट उतने अच्छे से नहीं आ रहे क्योंकि ये हटाए नहीं है,
सारी एनर्जी प्लांट की लेते रहते हैं, ये लगे रहते हैं। तो ये जितने भी स्पेंट फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं मैं ये सारे हटा दूँगी, मोस्ट रोज के भी और इसके भी पर्सलिन के भी। तो ये और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे से फ्लावर लगे हुए हैं देसी मोस्ट रोज के। ये देखिए पर्सलिन, देसी मोस्ट रोज। और आपको दिखाते हूँ मैं मेरा एक जोरा है पिंक कलर का, उसमें भी देखिए फ्लावर्स खिलने स्टार्ट हो गए हैं पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा बेबी पिंक कलर है। और देखिए इसमें कितने सारे बर्ड्स के बंचेस लगे हुए हैं, अब इसने भी स्टार्ट कर दिया। और मेरा एक वाइट वाला एक जोरा नीचे रखा है, उसको कम धूप मिलती है तो उसको भी मैं ऊपर ही ले आऊँगी, तो वो भी यहाँ अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि वो फिर एक दो बंच आता है नीचे, धूप कम मिलती है। और चलते चलते आपको दिखा दूँ जो मैंने सर्दी के क्रिसेंथमम के मदर प्लांट, इनकी मैंने कटिंग कर दी थी और कटिंग्स ग्रो भी कर दी थी, और आज मैंने इनको तीसरी बार पिंच किया है। छोटे छोटे पॉट्स में मैंने इनको लगाया हुआ है और बहुत अच्छी हेल्थ है। और आज मैंने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। और ये देखिए 7-8 गमले हैं, तो ये सर्दी के लिए मेरे प्लांट्स अपने आप से तैयार हो जाते हैं, मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ येलो है, कुछ पिंक है और कुछ वाइट भी है इसमें, तो 3 कलर हैं। तो और ज़्यादा फिर ये क्योंकि आते भी बहुत थोड़े दिन के लिए हैं ये, तो मैं और ज़्यादा परचेज़ नहीं करती, इन्हीं को ही मैं करती रहती हूँ और जो कटिंग्स लग जाती हैं उनको लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से है मेरे बालकनी गार्डन का हाल। ये देखिए जो मैंने कटिंग्स लगाई थी ये 2 गमलों में लगी हुई और नीचे भी 1 गमले में लगी हुई है, तो इनको भी मैंने एक एक बार पिंच कर दिया है, तो ये बुशी होते चले जाएंगे और सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की कटिंग्स लगाई थी, ये देखिए बेल कहाँ तक चढ़ने लग गई है, और ये तो 2-3 दिन के अंदर ही ग्रो कर गई थी, जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उन्हीं दिनों मैंने लगाई थी और आपको शो भी की थी। और देखिए किस कदर इनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, और ये अब देखिए ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो गई है। और चलते चलते मैं आपको दिखा देती हूँ अपना गार्डेनिया का प्लांट, ये मैंने नीचे मेन गार्डन में रखा हुआ था। बहुत ही हेल्दी प्लांट है और ये हाइब्रिड वाला है, तो ये थोड़ा नखरेबाज होता है, तो नीचे इनको अब क्योंकि झुंड में रखने की ज़रूरत तो है नहीं है बारिश में, तो इसको अच्छे से धूप नहीं मिल पा रही थी, तो इसको भी अब मैंने बालकनी में शिफ्ट कर दिया। तो देखते हैं अब इसमें फिर से फ्लावरिंग कब होती है। तो यही आज शेयर करना था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।